मैंगो जूस एंड राज गेमिंग एक ही जगह, रजत एफएफ और ये प्रीरेक एफएफ चारों एक ही जगह सरवाइव कर रहे हो बेशरम। मतलब तुम लोगों को चैन नहीं है बिना बैन खाए है। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी, नहीं बोल सकती थी। हालेलुया। बेटे अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ, बोलने लगी। तो गाइज मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे जो हमारे हेटर्स थे वो नैन के कस्टम में हमारे और रजत के बारे में स्पैम करने लग गए थे कि हम लोग टीमिंग कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि हम टीमिंग करते ही नहीं है। तो वहाँ पे साफ साफ नैन ने बोल दिया कि हम लोग टीमिंग नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद एक या दो दिन के बाद की ये घटना है जब हम मुक्ति असैसिन का कस्टम खेलने जाते हैं, एंड यहाँ पे भी सेम वही सीन होता है। हमारे हेटर्स जो है यहाँ पे आके स्पैम करना शुरू कर देते हैं कि मैं एंड रजत जो है दोनों साथ में खेल के टीमिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो सीन होता है वो बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ जाता है एंड जो असली कॉन्ट्रोवर्सी होती है वो यहीं से शुरू होती है। सो क्या कुछ सीन होता है, कैसे ये जो टीमिंग वाला जो फालतू के हमारे हेटर्स स्पैम कर रहे थे उसको मुक्ति कैसे सीरियस ले लेती है एंड क्या कुछ सीन होता है, सब कुछ दिखाएंगे आज की वीडियो में एंड एक एक चीज का रिप्लाई देते हुए चलेंगे। सो गाइस वीडियो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, लास्ट तक देखना एंड आपको कुछ कुछ चीजें इसमें सीखने को भी मिलेगी। तो एंड तक वीडियो को जरूर इंजॉय करना। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार एक चीज और बोलूंगा कि प्लीज यार वीडियो को थोड़ा लाइक और शेयर कर दो। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं इधर कुछ वीडियो से कि शेयर कर दो तो आप लोग करते भी नहीं हो। यहां 30-30 मिलियन वाले बोलते हैं यार कि सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, तो आप लोग शेयर करके आ जाते हो। भाई उनके तो 20-30 मिलियन हो चुके हैं, अब उनको क्या जरूरत है। असली जरूरत जिसको है जो मेहनत कर रहा है बंदा उसको थोड़ा सा सपोर्ट करना। आप लोग भी सीखो, सो होप सो कि आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोगों को क्या कर रहा है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तो गाइस थोड़ा सा हो सके तो आप लोग शेयर कर लेना। एंड एक चीज और, अगर आपको लगती है कि ये सारी कॉन्ट्रोवर्शियल वीडियो तो आप शेयर नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, इन वीडियो को तो आप शेयर मत करो। मैंने जो पिछले 2-3 वीडियोस बनाए थे क्यूट बी बैच गर्ल वाले एंड फिर फाइनली फाउंड माय ट्रू लव, इस प्रकार की जो मैंने वीडियोस बनाई थी उसको बनाने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, मतलब वो वीडियोस भी बहुत इंटरेस्टिंग थी एंड उसको बनाने में मेहनत भी बहुत ही ज्यादा लगी थी। सो उन सब वीडियोस को आप हो सके तो शेयर कर लेना एंड होप सो कि आप लोग समझ गए होंगे। अभी लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड क्या कुछ सीन हुआ सब कुछ आपको दिखाएंगे, एक एक क्लिप दिखाएंगे। सो लेट्स एंजॉय द वीडियो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो कस्टम होता है उसमें केवल ओनली बुया करना होता है, ठीक है। अगर आप ओनली बुया करते हो तो आपका जो रिडीम प्राइस जो भी डायमंड्स है वो आपको मिल जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम लोग सर्वाइव करके खेल रहे थे एंड बेसिकली ये डुओ कस्टम था, तो मेरे साथ था मैंगो जूस एंड रजत के साथ था प्रेरक। तो गाइस यहाँ पे हम लोग खेल रहे थे एंड आप लोगों को एक चीज़ तो मैंने हर वीडियो में बता के रखा है कि अगर हम गिवअवे कस्टम में मैं और रजत अगर गलती से भी एक दूसरे के आमने सामने आ गए तो ये लोग स्पैम करना शुरू कर देते कि ये लोग टीमिंग कर रहे हैं। एंड ऐसे तो छोड़ दो भाई, ये बेफालतू में भी स्पैम कर रहे हैं कि ये टीम करते हैं, जो कि आपने पिछले वीडियो में देखा ही होगा। तो सेम चीज यहां पे भी होता है, मैं और रजत गलती से मैप में साथ में आ जाते हैं एंड ये लोग स्पैम करना शुरू कर देते हैं कि रजत और राज टीमिंग कर रहे हैं। एंड एक बंदा जो कि इनके डिस्कॉर्ड पे बैठा रहता है, कुछ कोई होगा बच्चा मुझे नहीं पता एंड हमारा हेटर्स ही होगा जाहिर सी बात है, तो वो बच्चा यहां पे डिस्कॉर्ड पे आके मुक्ति को बोलता है कि मुक्ति दीदी रजत और राज इस कस्टम में टीमिंग कर रहे हैं। एंड उसके बाद जो हरकत की है मुक्ति ने उसे देख के आप जाहिर सी बातें बोलोगे कि एक नंबर की अनपढ़ और गवार है। मतलब जिसको यूट्यूब के बारे में 0% नॉलेज है, किसी चीज के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, फिर भी अगर किसी को आप यूट्यूबर बना दो तो जो हरकत होगी ना उसे यहाँ पे करके दिखाया मुक्ति ने। एंड जो बहुत से लोग बोलते हैं ना कि फ्री फायर की पब्लिक अनपढ़ है गवार है, उस चीज को भी यहाँ पे प्रूफ करके दिखाया है मुक्ति असासियन ने। एंड वो कैसे किया है मैं आप लोगों को एक क्लिप दिखाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। मुक्ति दीदी हाँ, ये जो स्लॉट नंबर 23 है ना, हाँ, ये साथ में एंट्री लिए ध्यान देखना, साथ में घूम रहे, देखो दोनों आ गए। कौन 22 23 24 दोनों देखो ना सेम जगह पे, सारे सब सेम दोस्त लोग हैं सारे, देखो दोनों टीम को, दोनों सेम जगह पे घूम रही हैं अलग अलग थोड़ा दूर दूर। ये किधर है भाई? ओके वही मैप खोल के देख लो, सेंटोसा की दूसरी बंदा है एक साइड में, दो है ये देखो। हाँ भाई वो, और किसी से भी पूछ लो, राज और ये रजत दोस्त हैं, प्रेरक सबके गिल्ड चेक करो एक बार, गिल चेक करो मैंगो जूस की रजत की और प्रेरक की, एक बार गिल चेक करो भाई, बैन मिलेगा तुम लोगों को, कसम से बता रही हूँ। आर यू कॉमेडी मी? तो मैंने अभी तुम लोगों को क्या बोला था कि ये एक नंबर की अनपढ़ जाहिल गवार है, इस चीज़ को ये खुद प्रूफ करेगी। मतलब तुम लोगों ने देखा कि कैसे एक 9 साल का ऑडियंस इसके डिस्कॉर्ड पे आके, जाहिर सी बात वो हमारा हेटर्स है, वो तो बेफालतू में स्पैम करते रहता है। आप लोगों ने पिछले कस्टम में भी देखा था, मतलब पिछले वाली जो मेरी वीडियोज़ थी नैन वाली, उसमें आप लोगों ने देखा कि ये बेफालतू में जब स्पैम कर सकते हैं, तो अगर ये इन सब चीज़ों को ऐसा मौका मिले कि हम और रजत एक साथ आ चुके हों मैप में तो ये कैसे छोड़ सकते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे हुआ, जैसे ही देखा कि अरे ये लोग साथ में, भाई चलो आग लगा के आ जाते हैं तुरंत, डिस्कॉर्ड में है
नहीं, 9 साल के बच्चे हैं तो क्या हुआ, अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर वाले के डिस्कॉर्ड में बैठ के भाई दीदी दीदी करके जो चाटते रहते हैं उनकी, तो वहाँ पे चुपचाप से पहुँच गया और स्पैम करना शुरू भाई कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और देखो ये इतने अच्छे खासे सब्सक्राइबर है भाई, यूट्यूब चैनल तुम्हारा है लेकिन बच्चा आके बता रहा है कि कौन टीमिंग कर रहा है, एंड उसके बाद ये बैन करने पर लग गई है भाई। और ये यहीं पर नहीं रुकी, अभी ये बहुत ही आगे बात जो है वो बहुत आगे बढ़ी है, वो आप लोगों को और दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं अच्छे और बहुत ही प्यार से रिप्लाई देता हूँ इसको। बहुत तेज और मैं सुबह उठ गया। एक बार मैंगो की किल देखो ना, ऊपर एरो पे क्लिक करके ऊपर देखो ना, मैंगो की और रजत की और यहीं पे ये बंदा घूम रहा है। ठीक है वही ना, फाइट नहीं लेंगे अब, फाइट ले लेंगे क्योंकि अब मैंने बोल दिया ना। अब मुक्ति यार मुझे तो बस इतना ही बोलना ना कि या तो ये तू अपनी YouTube चैनल डिलीट कर दे या फिर ये जो डिस्कॉर्ड पे बच्चा बैठा है तू इसको डोनेट कर दे, क्योंकि तेरे पास की नहीं है भाई YouTube चलाना, तुझे YouTube का वाई भी नॉलेज नहीं है। मतलब एक बड़े यूट्यूबर का तू कभी फ्रेंड बन जाती है, कभी गर्लफ्रेंड बन जाती है, कभी बेस्ट फ्रेंड बन जाती है, बस उसी के नाम पे तेरे व्यूज चल रहे हैं, तो तू क्यों इन सब चक्करों में पड़ी है? अगर नहीं होता है तो दे दो भाई किसी को, डोनेट कर दो चैनल या डिलीट कर दो भाई, क्योंकि तेरे पास की तो नहीं है 100% इस चीज की गारंटी ले रहा हूं मैं, तुमसे नहीं हो पाएगा। और भाई ये जो बंदा है ना भाई, बोले जा रहा है अपने अलग मगन में क्योंकि अपने पापा का बात मान के आया कि हेट फैलाना इनके खिलाफ, जाओ जल्दी से डिस्कॉर्ड में बैठो बाबू, वहां पे ये तुरंत आ गया हेट फैला जा रहा है। एंड जितने लोग तुम लोग देख रहे हो आपको बता दो कि ये ओनली बुया कस्टम था, मैंने आपको बताया था, तो हम लोग अपना अपना मेडी लूट रहते हैं। एंड आप लोग देखोगे कि किसी के पास ढंग से 2 लेवल का भी बैग नहीं है, सबका लूट अधूरा है, तो हम लोग यहाँ पे लूट कर रहते हैं। एंड हम लोगों को सामने बंदे दिखते हैं तो हम लोग फाइट इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि हम लोगों को अपना अपना मेडी बचाना था, क्योंकि ओनली बुया चैलेंज में लास्ट में हिल बैटल होता है वो भी दबा के, तो उसके लिए आपको मेडी बचाना है। एंड जाहिर सी बात है एक एक लेवल का बैग है तो कितने मेडीज होंगे आप खुद ही अनुमान लगा लो, तो हम लोग जो भी 2-4 मेडी थे वो खत्म नहीं करना चाह रहे थे। एंड इस चीज की मतलब आप खुद बताओ कि एक सेंटोसा में जहाँ पे इतना बड़ा प्लेस है मैप में, वहाँ पे 2 से 3 टीम आके लूट नहीं कर सकती, क्या ये पॉसिबल नहीं है? लेकिन नहीं, इन लोगों को तो भाई हेट फैलाना है बेफालतू में। और ये तो सुने जा रही है भाई ये बैन करेगी, ये करेगी, अब बैन करेगी कौन है तू, तेरी बहन की ये देखो अब जान मुझके जाएगा उन्हें मारने। और दीदी एक बार मैंगो जूस का रजत एफएफ और प्रेडर का खेल देखो सेम है, और किसी भी गिवअवे से प्लेयर से पूछ लो कि ये सारे दोस्त हैं या नहीं। हाँ मार नहीं रहा है ये, देख लिया ना, अब जान के फाइट लेंगे क्योंकि मैंने कह दिया। ये 9 साल के बच्चे यार हॉर्लिक्स बॉर्नविटा पीने की उम्र में ये सब करते तो अच्छा नहीं लगता है भाई। इसको यार कोई 2 रुपए का लॉलीपॉप चूसा और इसको साइड में बैठाओ। मतलब ये तब से बोले जा रहा है कि अब मैंने बोल दिया तो ये फाइट नहीं लेंगे, अब मैंने बोला तो यहाँ से निकल जाएंगे। कौन है बाबू तुम, कौन हो, नाम बताओ अपना जरा, कौन हो तुम, नाम बताना साले। 2 रेप्टम तो तुम धरती चाट जाओगे बेफालतू में, यहाँ बकवास कर रहे हो, नाम पता नहीं है वरना बहुत मार खाता है ये लड़का, इसको छोड़ो। मुझे तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा हंसी आई ना कि ये बच्चा जो है 10 बार बोल चुका है कि यार तुम गिल्ड चेक करो, इन चारों का गिल्ड चेक करो, पर ये चेक ही नहीं कर रही। अबे उसको चेक करना आएगा तो करेगी ना, उसको थोड़ी कुछ नॉलेज है ना, तो उसका यूट्यूब का नॉलेज है ना ही उसको फ्री फायर का नॉलेज है, बस एक बड़ा सा यूट्यूबर पकड़ो उसके साथ तुम गर्लफ्रेंड बन लो बस भाई, चैनल तो अपना चल ही रहा है भाई, दबा के व्यूज ले लो, पैसे छाप लो बस, सीखने की क्या जरूरत है, हमें सीखना पड़ता है ना, हमें मेहनत करना पड़ता है, हमको स्ट्रगल करना पड़ता है, तो हमें पता होगी ना इन सब चीजों में, इनको कहां से पता होगा, इनको बस पता होता है एक बड़ा यूट्यूबर कैसे फंसाना है बस, इसके अलावा कुछ नहीं। एंड यहाँ पे ये लोग नहीं रुकते भाई, इसके आगे भी जाते हैं। एंड पता है एक चीज़ और जो यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा हंसने पे मजबूर की कि ये बात किसका सुन रही है जो खुद पहले एक्सपोज होके आ चुका है टीमिंग करने में, वो भी विथ प्रूफ, और बात उसका सुन रही है, मतलब ये बात एक चोर का सुन रही है कि अगला चोर लोग है वो कैसे चोरी कर रहा है। गजब भाई गजब, मतलब अनपढ़, जाहिर, गवार, बेवकूफ और कुछ 2-4 शब्द है डिक्शनरी में, तो निकाल के इसके नाम पे टैग मार दो मुक्ति के नाम पे, मैं बता रहा हूँ भाई इसके बस के कुछ भी नहीं है। एंड यहीं पे नहीं हुआ है, अभी और बहुत कांड हुए, अभी तुम लोग वो भी देख लो। दीदी देख लियो था, कैसे कैसे लोग हैं, चलो मैं आया एक। अरे बाबू छोटू, अरे कहाँ जा रहे हो भाई, कुछ और आग लगा लो। अच्छा वो सॉरी भूल गया था, पापा को बताने गया होगा ना कि मैंने अपना काम कर दिया, मेरा कुछ आज का पगार उगार दे दो। हाँ ठीक है, जब पगार लेके वापस दोबारा आना भाई, अभी तुमको और आग लगाना, इतने से तो काम नहीं बना हमारा। मतलब तुम लोगों को चैन नहीं है बिना बैन खाए है? नहीं बैन तो खाना ही खाना है। नहीं भाई ये कस्टम से बैन वैन थोड़ी है, ये दाल चावल है, हमको खाना ही खाना है, खिला दो यार तुम कस्टम से बैन वैन कर दो, वरना देखो कहीं मर उर ना जाए। ठीक है, और भाई मैं तुमको बताऊँ, ये स्त्री है ना, ये कुछ भी कर सकती है भाई, और मुझे तो जरा सा भी ताज्जुब नहीं है कि अगर ये बैन भी कर दे हमको, क्योंकि जब ये एक 9 साल के बच्चे की बात सुन सकती है अपने चैनल पे, उसको ये भी नहीं पता है कि इसके बाद क्या कुछ हो सकता है इसके साथ, फिर भी बात सुने जा रही है, सरेआम किसी को हेट दिए जा रही लाइव स्ट्रीम में, जब इसको एक जरत्ती भर का नॉलेज नहीं है कि लाइव स्ट्रीम क्या होता है, किसी को बेफालतू में हेट नहीं देना है, क्या कुछ करना है, जब ये कर रही है भाई तो स्त्री है कुछ भी कर सकती है, कर दो बहन, हमको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी तुम्हारा कस्टम खेलता कौन है? मैंगो जूस एंड राज गेमिंग एक ही जगह, रजत एफएफ और ये प्रीरेक एफएफ, चारों एक ही जगह सरवाइव कर रहे हो।
बेशरम कहीं के। चुप चुप हो जा सातवीं फेल। मार भी नहीं एक रहे एक दूसरे को। अभी इन्हीं के सामने से एक बंदा गया था, एक बंदा। कोई एक बंदा दो जने छोड़ सकते हैं मैप में? दीदी हाँ देख रहे हो ना, अलग अलग जा रहे हैं। देख सरदार, हाय भाई, ये वरना बात ये लड़का आ गया भाई। लगता है इसको 2 रुपए का जो लॉलीपॉप चुसाए थे खत्म हो गया। इसको अगर 5 रुपए वाला चुसाओ ताकि ये लंबा टाइम तक चुप बैठे। बाबू तुम चुप बैठो, कभी पिटा जाओगे, ठीक है? 5 रुपए का लॉलीपॉप भेज रहे, चुसते रहो भी बैठ करके। और पूरी बात सुनो, एंड आप लोग अभी और देखो कि ये क्या क्या बोलते हैं। एंड इनका तुम लोग लेवल देख रहे हो, ये लोग यूट्यूबर है जिनको तुम सब्सक्राइब करते हो, जिनको तुम आइडियल मानते हो, ये है वो लोग। देख रहे हो उनकी असलियत, देखो उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी शिक्षा, तमीज, शिष्टाचार सब देख सकते हो तुम। एक पल में भाई खत्म, टाटा बाय बाय गया। एंड यहीं पे नहीं, अभी और सुनो तुम लोग। कोई ना शिंचन ना ज्ञान रेखो, अभी जा रहे हैं उन्हीं को मारने सर्वाइवर्स को। ओ हो भाई, बस यही दिन तो देखना बाकी रह गया था। आ गए हमारे बेटे लोग, आ गए भाई हमको मारने स्ट्रीम स्नाइप करके। और तुम देख रहे हो, मतलब कुछ बंदे, मतलब इसके जो डिस्कॉर्ड पे बंदा बैठा है वो बोल रहा है हम टीमिंग करते हैं। तो ये क्या है, ये स्ट्रीम स्नाइप करके हमको मारने आ रहे हैं? ये खुश हो रही क्या? अरे मारने आ गया, मारने आ गया, सर्वाइवल को मारने आ गया। देख रहे हो, अरे बच्चे हैं, उनको दूध दूध पिलाओ भाई। क्या करें, उनके लिए भी एक एक लॉलीपॉप भेजेगा बाबू। तुम लोग भी लॉलीपॉप आ रहा है, तुम लोग भी एक एक लेके चूसो, ठीक है? एंड अगर कुछ और चूसना चाहते हो तो वो भी चूसवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और तुम अपनी मुक्ति दीदी बोले तो सो कॉल्ड बिग यूट्यूबर, उनका लेवल देख रहे हो, खुद टीमिंग करवा रही है और बोल क्या रही है, हमको बैन करेगी कि हम टीमिंग कर रहे हैं। अबे कौन सा टीमिंग कर रहे हैं, ना तो एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, ना ही किसी को कवर दे रहे हैं, ना किसी को मेडी दे रहे हैं, ना गन एक्सचेंज कर रहे हैं। क्या टीमिंग कर क्या रहे हैं, मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आया टीमिंग होता क्या है। मतलब इसी को टीमिंग करते हैं क्या, इसी को टीमिंग बोलना बोलते हैं? तो भाई पूरे मैप में जो 48 बंदे सब टीमिंग कर रहे हैं। अब बोलो क्या बोलोगे तुम, जितने के जितने सब टीमिंग कर रहे हैं, अब बताओ तुम क्या करोगे? मतलब एक दूसरे के सामने से गुजर गया तो टीमिंग हो गया भाई। तो सबके सब एक दूसरे के सामने से गुजरते हैं, कितने सारे फाइट होते हैं जो अवॉइड होते हैं, तो भाई सब टीमिंग कर रहे हैं। मुझे सबके सब बैन चाहिए तुम्हारे कस्टम से, यहाँ तक कि तुम खुद बैन होना चाहिए भाई। और तुम भाई डिलीट करो चैनल, बता रहे डिलीट करो, हम आगे डिलीट कर देंगे। ऐसे भी हैकर उकर आजकल तुम लोग के घर में घूम रहा है बहुत ज्यादा, तो देखो कहीं हैकर उकर चैनल डिलीट डिलीट ना करवा दे, ठीक है? इनको नहीं मिलेगा प्राइस, कोई एहसान नहीं कर रहे हो तुम, ठीक है? और मुझे तुम्हारे 5 रुपए का वो प्राइस चाहिए भी नहीं। मेरे तरफ से तुम भी एक लॉलीपॉप चूस लेना, ठीक है? भाई थोड़ी शर्म कर लो यार, तुम लोग टीम अप करते हो। अब देखो देखो दोनों लास्ट में भी तो बचेंगे ना ये। वही ना, लास्ट में मारेंगे, लास्ट में पता क्या करेंगे, दोनों टीमें हील बैटल करेंगी, फाइट नहीं लेंगी जान में, दोनों टीमें हील बैटल मारेंगी। अबे यार, एक तो ये लड़का, मतलब इसको कितना लॉलीपॉप चुसवाए भाई, मतलब मेरे पैसे खत्म हो गए, इतने लॉलीपॉप चुसवा चुका हूँ फिर भी इसका मुंह बंद नहीं हो रहा है। बाबू एक काम करो, पैसे तो खत्म हो गए तो आ जाओ तुम मेरे पास, तुमको कुछ और चुसवाते हैं, शायद तुमको उसी का बहुत ज्यादा जरूरत है। आ जाओ तुम, तुमको वो चुसवाएंगे फिर तुम्हारा मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, ठीक है? लोग जिंदा है, मैं बता देती हूँ, रजत एंड प्रीरक। ऐसे हमारा किल से नाता नहीं है, भुया से नाता है, तो देखते हैं भुया कौन है। किसका इनको नहीं मिलेगा, टीम अप करके कर रहे थे ना। ये पागल वागल है क्या? एक तो पूरे स्ट्रीम में बोल रही कि हम टीम अप कर रहे हैं, जब लास्ट जोन में लास्ट फाइट चल रहा है तब बोल रही है टीम अप कर रहे थे क्या भाई? मतलब कोई इतना कंफ्यूज कैसे हो सकता है? मतलब पूरे हिस्ट्री में गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा है वो बंदा, एंड ये दोनों कि ये लोग टीम अप कर रहे हैं, टीम अप कर रहे हैं, टीम अप कर रहे हैं, लास्ट में पूछ रही है टीम अप कर रहे थे ना। अबे भाई मैं क्या बोलूँ इसको, मेरे पे शब्द नहीं है, कसम से मेरे पे शब्द नहीं है भाई। इस पागलपन का कोई इलाज उलाज है तो तुम इलाज कराओ, तुम्हारा मानसिक स्थिति हमको सही नहीं लग रहा है, पहले बता रहे हैं। तुम अपना दिमाग उमाग का इलाज कराओ, पैसा नहीं है तो बोलो, हम चंदा इकट्ठा करवा रहे हैं, ठीक है? क्या कर रहा हूँ मैं, दिमाग खराब हो गया है मेरा, बाप रे। सो गाइस, यही वो सारी चीजें थी जो कि हमारे बारे में मुक्ति सेशन के कस्टम में बोला गया था। और तुम लोगों को पता है, अगर ये सब चीजें ना यहीं पे खत्म हो जाती तो एक बार को समझ में भी आता है, लेकिन ये चीजें यहीं पे खत्म नहीं हुई, ये बातें आगे बढ़ करके FIR तक बात पहुंच गई थी। मतलब तुम समझ रहे हो किस हद तक कॉन्ट्रोवर्सी बढ़ गई थी। सो गाइस, क्या कुछ हुआ था मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में जरूर बताऊंगा, क्योंकि मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। आप लोगों को मैंने बताया था कि रजत जो था वो नैन के कस्टम में फाइनल्स के लिए जा चुका था, एंड उसके बाद ये सब चीजें हुई थी मुक्ति के साथ। सो इस पर रिएक्ट करते हुए रजत ने एक वीडियो बनाया था, उसके बाद नयन और मुक्ति दोनों ऑफेंड हो गए थे, एंड उसके बाद जो सीन हुआ वो बहुत ही ज्यादा, मतलब बोल सकते हो कि असली कंट्रोवर्सी फिर उसी के बाद शुरू हुई, एंड वो कंट्रोवर्सी बढ़ के FIR तक पहुंच गई थी। सो क्या कुछ सीन हुआ था एंड कैसे ये कंट्रोवर्सी आगे बढ़ी, नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को जरूर बताऊंगा। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे जरूर कर लेना नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए। एंड फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।